तो हेलो फ्रेंड्स, सब लोगों को फिर से दिल से वेलकम हमारे चैनल पे। तो पिछले वीडियो को मैंने छोड़ा, नया अपडेट का म्यू इम्यूलेटर का, तो उसमें बहुत बढ़िया रिस्पॉन्स आया। वैसे ज़्यादा व्यू नहीं है, अभी तक 1000 व्यू भी नहीं हुआ, लेकिन फिर भी जो लोगों ने कमेंट किया, आप लोगों ने जितना प्यार दिखाया, तो उसके लिए मैं ये सेकेंड वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। तो जितने भी लोग मेरे को वीडियो को कमेंट करे, अगर एक भी बंदा मेरे वीडियो पे कमेंट करे और उसकी प्रॉब्लम का अगर सलूशन मेरे पास हो, तो मैं उस एक बंदे के लिए भी वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। तो वैसे तो मेरे पास हर प्रॉब्लम का सलूशन नहीं होता, लेकिन जो जो प्रॉब्लम का सलूशन होता है, मैं सब लोगों को साथ उसको शेयर करता हूँ, ठीक है। तो आज मैं ये जो वीडियो बना रहा हूँ, एक तो है उसको तो पता चल गया है आपको डिस्क्रिप्शन देख के कि मैं अब सेंसिटिविटी के बारे में वीडियो बना रहा हूँ, फ्री फायर का बेस सेंसिटिविटी, ताकि आपका ड्रैग हेडशॉट और वन टैप हेडशॉट प्रॉपर काम करे। और दूसरा जो मैं आज दिखाऊंगा वो है ब्लू स्टार की तरह सस्पेंड बटन, ठीक है। तो एक भाई ने कमेंट किया था सस्पेंड बटन दिखाने के लिए, ब्लू स्टार की तरह कैसे यूज़ करें। तो मैंने बोला था मैक्रो से किया जा सकता है, तो उसने बोला था कि दिखा दो भाई कैसे करें। तो आज इस वीडियो में मैं वो सस्पेंड बटन भी दिखा दूँगा, जैसे कि ब्लू स्टार में होता है, एक दबा के रखने से माउस कर्सर बाहर निकला रहता है और छोड़ने से फिर से चला जाता है, ठीक है। तो चलिए, तो वीडियो को शुरू करते, पहले चलते हैं हम ट्रेनिंग मोड पे। और ये जो वीडियो है सेंसिटिविटी के बारे में, तो मैं पहले दिखा देता हूँ। देखिए, सेंसिटिविटी डिपेंड करता है पूरा आपकी, अगर आप पीसी प्लेयर हो तो माउस की डीपीआई के ऊपर डिपेंड करता है आपका सेंसिटिविटी, ठीक है। तो देखिए, मेरा जो डीपीआई है माउस का, देख सकते ठीक 6050, ठीक है, 6050 डीपीआई है मेरा। तो मैं इस हिसाब से मैं आपको सेंसिटिविटी दिखा रहा हूँ, आप अपने हिसाब से देख लेना, ठीक है। तो मैं अभी टक्स मैनेजर पे ओपन करता हूँ और इधर जो माउस का जो है, देखिए लॉजिक सॉफ्टवेयर, इसको मैं एन कर देता हूँ बैकग्राउंड प्रोसेस, ताकि लैग थोड़ा सा घटे कट जाए, क्योंकि अभी तक भी मेरा पीसी ठीक नहीं हुआ, इसलिए मैं लाइव स्ट्रीम नहीं करता। तो बैकग्राउंड प्रोसेस मैंने ऑफ कर दिया है। तो अभी बात करते सेंसिटिविटी की, ठीक है। तो पहले मैं लेता हूँ, तो चलो कान 980 लेता हूँ और दूसरा लेता हूँ शॉर्ट गन। अच्छा चलो, आपको फोरेस्ट का सेंसिटिविटी जानना था, फिर सब कुछ दिखाता हूँ मैं एक एक करके। तो देखिए, चलो AWM लेता हूँ, उससे ज़्यादा अच्छा होगा। अरे यार, ये क्या है, दौड़ता ही रहता है यार। तो AWM का मेरा जो सेंसिटिविटी है वो मैंने 8 रखा है, 8, ठीक है। तो मेरा DPI बहुत हाई है, आप लोगों को दिखा है 6000 के ऊपर है, तो इसलिए मैं 8 खेलता हूँ, ठीक है। तो आप देखिए, बहुत बंदे बोलते हैं कि सेंसिटिविटी पूरा फुल रखो, ठीक है। तो मैं आपको एक चीज़ दिखा दूँ, इधर तो मैं सेंसिटिविटी देख पा रहे, पहले मैं AWM समझाता हूँ, इधर तो 8 है, इसको मैं फुल कर देता हूँ, ठीक है। तो आप देखिए, इसको मैंने फुल कर दिया, तो बहुत क्विक घूम रहा है। तो मानिए आप इसके सर पे एम करना है, ठीक है। तो मैं देखाता हूँ, देखिए मैं जो हटा रहा हूँ, देख सकते पूरा स्मूथ नहीं हट रहा, कैसे अटक अटक के हट रहा है, देखिए जैसे कि बैंड हो रहा है टक टक करके, जो क्लॉक का जो काटा होता है ना, घड़ी का आपका, वैसे देखिए स्मूथली नहीं हट रहा, खट खट एक भाई एक स्टेप बाई स्टेप, ठीक है। जैसे कि मानो आपके एंटी एलिसिंग ऑन ही नहीं है, स्क्वायर की माफी घट रहा है, देखिए देखिए। तो इस प्रॉब्लम की वजह से मैं 4X में और AWM में लो सेंसिटिविटी का प्रेफर करता हूँ हेडशॉट के लिए। नहीं तो आपको एनिमी का सर दिखेगा लेकिन एम नहीं कर पाओगे, आप एनिमी के सर पे ऊपर लेने की कोशिश करोगे ना कि दाएं बाएं हट जाएगा आपका स्कोप, दाएं या बाएं, ठीक है। तो इसको आपका जितना हो सके अपने हिसाब से करना, आपका जो सेंसिटिविटी जितना हो सके लो पे ट्राई करना, ठीक है। आप देखिए, अब मैं करूँगा, देखिए पूरा स्मूथली स्लोली जा रहा है, देखिए। तो इससे प्रॉपर हेडशॉट दे पाओगे, देखिए स्लोली पूरा इससे प्रॉपर हेडशॉट दे पाओगे।
तो ये आपका जो स्नाइपिंग का सेंसिटिविटी होगा, आपको लो जितना हो सके आपका लो में ट्राई करना, ठीक है। अभी हम दूसरा दिखाएंगे फोरेक्स। तो अभी जो चल रहा है सबसे बढ़िया गन वो है M14। ठीक है, तो मैं कोई अटैचमेंट नहीं ले रहा, बिना अटैचमेंट अटैचमेंट के ही मैं खेल के दिखाऊंगा। पहले मैं इधर पे दिखाता हूँ सब कुछ। तो मेरा 4x का सेंसिटिविटी क्या है, तो देखिए 4x का भी मैंने 15 रखा है, क्योंकि 4x से भी मैं हेडशॉट देता हूँ। ठीक है, आप मानिए इसको भी अगर फुल में खेलते हैं आप, तो देखिए सेम सेम प्रॉब्लम आएगा आपको। देखिए मैं धीरे धीरे हिल रहा हूँ, लेकिन कट 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 करके हिल रहा है। देखिए मानो इधर किसी का सर इस कोने में, देखिए मैं एम करने जा, देखिए हट रहा है। देखिए मैं कोने पे एम ही नहीं कर पा रहा, देखिए देखिए हट रहा है, कट 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 करके हट रहा है। तो एक बार आपका सेंसिटिविटी फुल रखोगे तो यही दिक्कत होगा। अगर टावर के ऊपर कोई बंदा या पत्थर की गार्ड में आपको हेडशॉट देना है, आप दे नहीं पाओगे। ठीक है, डिफॉल्ट पे तो पकड़ लेगा, कोई बात नहीं, सेंसिटिविटी में कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन जब डिफॉल्ट की बाहर होता है, जो बंदा गार्ड पे है, इसका सर दिख रहा है, उसका पैर दिख रहा है, तो उसको अगर मारना चाहते हैं आप, खासकर स्नाइपर में बहुत दिक्कत होता है। और जो लोग ये जो हाई डैमेज वाला गन यूज़ करता है, जिसका रेट ऑफ फायर कम है, जैसे कि M60 और M14, उसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, क्योंकि उसको आपको हेड में देना होता है, लेकिन आपका ऐसे कट कट करके हिल जाता है, आपको हेड दिखता है लेकिन आप हेडशॉट नहीं दे पाते। तो इसका सेंसिटिविटी भी आपको 40 के अंदर रखना है, तो इससे बढ़िया होता है। मैं 15 पे रखता हूँ, क्योंकि मेरा DPI हाई है। ठीक है, तो आपको 40 के अंदर रखना है, तो हो गया। तो अभी बात करते हैं रेड डॉट 2x जेनरल की। जेनरल मैं 50 पे रखता हूँ, ठीक है, क्योंकि इसको अगर 100 कर देता हूँ, तो अगर ड्रैग हेडशॉट मिस जाता है एक बार मानिए, तो आपका जो ये पॉइंटर है एम का, इतना ऊपर चला जाएगा कि नीचे लाते लाते आपका एनिमी आपको मार देगा, क्योंकि आपका एम इधर उधर हो जाएगा। ठीक है, अगर वन टैप हेडशॉट मिस जाए तो इसको 60 तक मैक्स ठीक है मेरे हिसाब से, अगर पूरा ज़्यादा किया तो दिक्कत हो जाता। ठीक है, देखिए इधर है 50 है, मैंने अगर मानी 100 कर दिया, तो मानी इधर एक एनिमी है, मैंने वन टैप दिया, देखिए पूरा इतना हाई है मेरा, ऐसे दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, ऊपर फिर आपको नीचे ला के एम करने में दिक्कत हो जाएगी, इतना फास्ट हो जाएगा अगर मिस गया है तो। वैसे अगर मिस नहीं होता है तो सही है, लेकिन कभी ऐसा होता है, आपने वन टाइम हेडशॉट मारने गया, बंदा ने आपके सामने ग्लू वॉल फेंक दिया, तो ज़्यादा ऊपर चले जाने से रनिंग, फिर आप जब नीचे लाओगे एम, लाते लाते दिक्कत हो जाएगा, देर हो जाएगा। तो मेरे हिसाब से 50 सही है। और कुछ लोग बोलता है कि लो में वन टाइम हेडशॉट नहीं होता, लेकिन एक गलत बात है, मैंने पहले भी दिखाया, ऐसी कोई बात नहीं है, एकदम लो नहीं होना चाहिए। ठीक है, 50 के ऊपर सही है, 60-70 तक भी सही है, लेकिन पूरा फुल कर देते हो तो इसमें दिक्कत हो जाता है। और अभी बात करते हैं रेड डॉट 2S की। तो हाँ, इसको आप बिल्कुल 100% कर सकते हैं, क्योंकि इसका सेंसिटिविटी वैसे ही लो रहता है, तो 100 करने से ड्रैग हेडशॉट ज़्यादा होता है, नहीं तो होता नहीं ठीक से। ठीक है, तो आप देख सकते हैं इसका, ये रहा, ये रेड डॉट भी है 100 और 2X भी है 100। ठीक है, तो तो देखिए मेरा हेड हो रहा है, देखिए डाक से, देखिए कैसे हेड हो रहा है डाक से 2x पे, क्योंकि मेरा सेंस, देखिए तो 2x और रेड डॉट का सेंसिटिविटी आपको हाई रखना है। ठीक है, आप देखिए हाई होने से भी ज़्यादा दिक्कत नहीं होता, क्योंकि इसका सेंसिटिविटी वैसे ही लो रहता है।
इसको हाई में क्या होता है, ड्राफ्ट से हेडशॉट का चांस ज़्यादा रहता है, नहीं तो बॉडी पे चिपके रहते हैं। अभी बंदा ज्यादा नहीं है, मैं दिखा नहीं पा रहा। तो देखिए कैसे हेड हो रहा है। तो आपका अगर हाई है सेंसिटिविटी 2x और रेड डॉट का, तो हेडशॉट लगना तो पक्का है। तो अभी हम दिखाएंगे रेड डॉट का हेडशॉट, ठीक है। चलो मैं MP40 लेके दिखाता हूँ। शॉटगन का तो वन टैप हो गया, आप MP40 से भी कैसे ड्रैग होता है आप लोगों को दिखाना चाहिए। थोड़ा हीलिंग वगैरह ले लेता हूँ, ज़्यादा ज़रूरत नहीं। और अटैचमेंट ले लेता हूँ, मैं तो साइलेंसर यूज़ करता हूँ इस कार्ड में, तो इतना ही सही है। अरे ये क्या हुई गवा, तो आप लोग देख रहे होंगे मैं बार बार माउस का जो सस्पेंड की यूज़ करता हूँ, इससे सेंसिटिविटी सही रहता है। देखिए हेड हो गया कैसे। कैसे हेड हो रहा है आप देख सकते हैं, मेरा 50 की सेंसिटिविटी से रीजनरेबल। तो ऐसा नहीं कि आपको 100 रखना है। देखिए एयर डॉट से भी कैसे हेड हो रहा है। हाँ देख लिया भाई ने। एक हेड पड़ा, भाग गया। मेरा MP40 ने बॉडी पकड़ लिया, इसलिए मार गया उस जगह पे। तो अभी हम बात करते हैं सस्पेंड बटन की, ठीक है। इधर से मैं निकालता हूँ, जो कि सस्पेंड बटन मैं यूज़ करता हूँ। देखिए मैं एक से यूज़ कर, देखिए एक दबा के रखा, अभी मैं कुछ भी कर सकता, एक छोड़ दिया फिर से चालू। तो इस सस्पेंड बटन की सेटिंग हम दिखाते हैं, और दूसरा भी दिखाते हैं हम म्यू की सेंसिटिविटी। तो देखिए मैं एक सेंसिटिविटी 38 रखता हूँ और वाई सेंसिटिविटी 47, ओके। इससे मेरा बढ़िया लगता है ड्रग। और ये देखिए, ये रहा मेरा ब्लूस्टर की तरह सेम सस्पेंड बटन, जिसका हम सेंसिटिविटी रीसेट बटन भी बोलते हैं। जब भी
सेंसिटिविटी में दिक्कत होता है, इसको बस एक बार दबाया तुरंत सब कुछ सही हो गया। ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मैं इधर आपको मैं पूरा काट कर देता हूँ इसको। आपको एडवांस पे जाना है, इधर से मैक्रो का एक बटन लाना है, अभी तो मैं एक से सेट कर रहा हूँ, आप कोई भी बटन सेट करना अपने हिसाब से। फिर आपको जाना इधर मैक्रो पे, ठीक है। और आप एक काम करना, अभी सबका तो रेजुलेशन सेम नहीं होता, तो रेजुलेशन देखने के लिए आपको क्या करना है, कुछ नहीं, इधर देखिए क्लिक का ऑप्शन है, ठीक है, इधर आपको जाना है। एक बार क्लिक किया तो देखिए आपका रेजुलेशन ऊपर आ गया, ये रहा मेरा जो इस गेम का रेजुलेशन है, इसका एमुलेटर के हिसाब से वो आ गया, ठीक है। तो आपको बस यही करना है, इसका रेजुलेशन देखना है और बाकी ये जो लिखा हुआ है सब कट कर देना, बस इसको रेजुलेशन को रखना है, ठीक है। और इधर जो टाइप करना है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। देखिए मैक्रो, इधर मैंने रेजुलेशन भी सेव करके रखा है, तो आपको इसको नहीं, इसको अपने हिसाब से रखना, इसको कॉपी करने की ज़रूरत नहीं, आप देख लेना आपको रेजुलेशन क्या है, बस इतना सा कॉपी करना, ठीक, इधर से कॉपी कर लेना, कॉपी। और इधर जाके कंट्रोल वी दबाना है, ठीक है, इधर राइट क्लिक से नहीं आएगा, कंट्रोल वी से आपको पेस्ट होगा, ठीक है। कंट्रोल वी दबाया, देखिए पेस्ट हो गया, ठीक है। तो इसको आपको सेव कर देना है, बस हमारा जो सस्पेंड बटन है वो चालू कर गया, मैं एक्स दबा के रखा, अभी देखिए हिला सकता हूँ, एक्स छोड़ दूंगा फिर से चालू हो जाएगा, एक्स दबा के रखा छोड़ दिया फिर से। तो ये रहा आपका सस्पेंड बटन, ठीक है। तो और ज़्यादा कुछ दिखाने की ज़रूरत नहीं, उम्मीद है वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हुआ होगा। अच्छा लगे तो एक ही रिक्वेस्ट रहता है सबके साथ, एक लाइक कर देना, अगर कोई भी दिक्कत हो प्रॉब्लम हो आप कमेंट करना, मेरे पास अगर सलूशन होगा तो मैं ज़रूर सॉल्व कर दूंगा, आप लोगों के लिए एक वीडियो भी छोड़ दूंगा, ठीक है। अब हर प्रॉब्लम का तो सलूशन नहीं है, जैसे बहुत लोगों के बताया कि मेमोरी में एड्रेस नहीं आ रहा, तो मेरा तो ऐसा नहीं हुआ, तो उसका सलूशन नहीं है। वैसे मैंने पूछा था तो उन लोगों ने मेरे को एक सॉफ्टवेयर का लिंक दिया है, तो उससे बोल रहा है कि वो यूज़ करके अपना ड्राइवर, सारा ड्राइवर अपडेट कर लो तो ठीक हो जाएगा, वो मीमो से हिसाब से अपना बेस ड्राइवर, वो डिस्प्ले ड्राइवर, ग्राफिक्स ड्राइवर अपडेट ले लेगा, इंस्टॉल ले लेगा पीसी में, और आपका ये प्रॉब्लम सही हो जाएगा, ठीक है। तो उस सॉफ्टवेयर का लिंक चाहिए तो आप कॉमेंट कर देना, मैं दे दूँगा, हो सके कि आप बोलेंगे तो मैं वीडियो भी छोड़ दूँगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए टाटा। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया,